तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है ना, इसका जूम के बारे में। मतलब हम लोग आज बातें करेंगे भाई ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम और डिजिटल जूम के बारे में, कि भाई ये जो ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम और डिजिटल जूम है, ये आखिर क्या है। मतलब भाई जूम तो जूम होता है ना, तो भाई ये जो तीनों तरह का जूम है, ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम और आपका डिजिटल जूम, ये तीनों जूम में मतलब फ़र्क क्या है दोस्तों, कौन वाला अच्छा है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, आप जो बड़े आराम से जान पाएंगे कि भाई डिजिटल जूम, ऑप्टिकल जूम और आपका हाइब्रिड जूम क्या होता है, और ये जो तीनों जूम है इसमें क्या फर्क है, ये सारी चीज दोस्तों आप बड़े आराम से जान पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग, और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं ऑप्टिकल जूम, डिजिटल जूम और हाइब्रिड जूम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बातें कर लेते हैं डिजिटल जूम के बारे में, कि भाई डिजिटल जूम क्या होता है। देखिए दोस्तों, डिजिटल जूम में क्या होता है कि जूम के लिए अलग से लेंस दिया हुआ नहीं रहता है। एक होता है ना जूम लेंस, वो जो है अलग से दिया हुआ नहीं रहता है। फोन का जो मेन कैमरा है ना, उसी के मदद से जो है जूम किया जाता है। मतलब यहाँ जो है क्या हो रहा है कि जूम के लिए अलग से लेंस दिया हुआ नहीं रहता है। तो इस टाइप का जूम दोस्तों आपको जो 20,000 तक के मोबाइल फोन में देखने को मिल जाता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि 20,000 तक के मोबाइल फोन में अलग से जूम लेंस दिया हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ दोस्तों 20,000 रुपये के अंदर में जो भी सारा जूम आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग मतलब एक हिसाब से डिजिटल जूम कह सकते हैं। तो ये बातें कर लेते हैं कि भाई डिजिटल जूम काम कैसे करते हैं, आखिर ये जो डिजिटल जूम है या आखिर क्या है। दोस्तों डिजिटल जूम में क्या होता है कि वो जो है चारों तरफ का हिस्सा को क्रॉप कर देता है। जिस हिस्से में आप फोकस कर रहे हैं, जिस हिस्से को आप जूम कर रहे हैं, उसी हिस्से को बड़ा करके दिखाएगा। मतलब दोस्तों जैसे कि मान के चलिए आप कोई फोटो को खींच लिए, खींचने के बाद जैसे उसको आप जूम करेंगे ना, इसे बड़ा करेंगे, तो जिस टाइप का दिखाएगा सेम टू सेम दोस्तों डिजिटल जूम में भी वैसे ही दिखाएगा। मतलब दोस्तों फोटो लेते समय जहां पे आप जूम कर रहे हैं उस हिस्सा को बड़ा करके दिखाएगा और चारों तरफ का हिस्सा को क्रॉप कर देगा। इस टाइप का दोस्तों कुछ काम करते हैं आपका डिजिटल जूम। लेकिन दोस्तों डिजिटल जूम में एक खराबी ये है कि भाई जितना आप जूम करेंगे ना, उतना जो फोटो का डिटेल्स कम होते जाएगा, क्योंकि भाई वो जो चारों तरफ का हिस्सा को क्रॉप कर दे रहा है ना। जिस हिस्सा को आप मतलब जूम कर रहे हैं उस हिस्सा को फोकस करके उस हिस्सा को थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा है, लेकिन चारों तरफ का हिस्सा को जो क्रॉप कर दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि फोटो का जो डिटेल्स है वो कम हो जा रहा है। तो डिजिटल जूम में कभी भी जो है क्वालिटी अच्छे नहीं होता है, डिटेल्स अच्छे नहीं होता है, क्योंकि भाई वो जो है चारों तरफ का हिस्सा को क्रॉप कर दे रहा है और जिसमें फोकस करे उसको थोड़ा सा बड़े करके दिखा दे रहा है। मतलब दोस्तों जैसे कि पहले आपको मैं बता चुका हूं कि भाई फोटो लेने के बाद जैसे हम लोग कुछ उसको जूम करके देखते हैं ना, तो जूम करने से क्या होता है कि भाई चारों तरफ का हिस्सा को हटा देता है, जहां पे मतलब जिस हिस्सा का हम लोग जूम कर रहे हैं उसी को जो है बड़ा करके दिखाता है। लेकिन जितना जूम करके देखेंगे फोटो को, उतना जो उसका डिटेल्स कम होता जाता है, उतना जो फोटो फटने लगता है। तो सेम टू सेम दोस्तों डिजिटल जूम में भी यही होता है। फोटो लेने से पहले क्या करता है कि दोस्तों जहां पे हम लोग जूम कर रहे हैं उस हिस्सा को बड़ा करके दिखाएगा और चारों तरफ का हिस्सा को थोड़ा सा हटा देगा। बस दोस्तों यही होता है डिजिटल जूम। लेकिन यही खराबी है डिजिटल जूम को कि भाई जितना आप जूम करेंगे उतना जो फोटो का डिटेल्स कम होते जाएगा। दोस्तों ये बातें कर लेते हैं ऑप्टिकल जूम के बारे में कि भाई ऑप्टिकल जूम क्या होता है। देखिए दोस्तों ऑप्टिकल जूम में क्या होता है कि अलग से एक जूम लेंस दिया जाता है, जिसको हम लोग टेलीफोटो लेंस भी कह सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ जो है अलग से एक जूम के लिए लेंस दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों फोटो का डिटेल्स कम नहीं होता है, क्योंकि अलग से जूम का लेंस दिया गया है। मतलब मान के चलिए कि आपका मोबाइल में 2x ऑप्टिकल जूम है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मोबाइल का कैमरा भाई 2x तक जूम करके फोटो ले पाएगा, फोटो का डिटेल्स बिना कम करे हुए। मतलब डिजिटल जूम में हम लोग देखे हैं कि भाई जितना जूम करेंगे फोटो का डिटेल्स उतना कम होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्टिकल जूम में ऐसे नहीं है। ऑप्टिकल जूम में क्या है कि भाई आपका फोन जितना ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, जितना एक्स ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, उतना एक्स तक जो है फोटो का डिटेल्स बिना कम करे हुए आपका कैमरा फोटो ले पाएगा। मतलब जैसे कि आपको मैं बता कि भाई मान के चलिए कि आपका मोबाइल जो है 3x तक ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, तो ऐसे में आपका मोबाइल फोन का कैमरा दोस्तों 3x तक फोटो का डिटेल्स बिना कम करे हुए जूम करके फोटो ले पाएगा, क्योंकि भाई आपका मोबाइल फोन का कैमरा जो है 3x तक ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। तो सेम टू सेम अगर 5x तक रहा तो 5x तक जो है फोटो का डिटेल्स बिना कम करे हुए जूम करके फोटो ले पाएगा, क्योंकि भाई आपका मोबाइल फोन जो 5x तक ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है जूम के लिए अलग से लेंस दिया गया है। दोस्तों अगर डायरेक्ट क्या है कि भाई ऑप्टिकल जूम क्या होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऑप्टिकल जूम में अलग से एक जूम लेंस दिया हुआ रहता है और ऑप्टिकल जूम में जो फोटो का डिटेल्स कम नहीं होता है। मतलब ऑप्टिकल जूम के मदद से हम लोग जो है फोटो का डिटेल्स बिना कम करे हुए जूम करके फोटो ले सकते हैं। आपका मोबाइल फोन का कैमरा जितना एक्स तक ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, आपका मोबाइल फोन का कैमरा जो है उतना एक्स तक फोटो का डिटेल्स कम करे हुए फोटो लेके आपको दे देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो यूज किया गया है अलग से एक जूम लेंस। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऑप्टिकल जूम में जो फोटो का डिटेल्स कम नहीं होता है। दोस्तों ये बातें कर लेते हैं हाइब्रिड जूम के बारे में कि भाई हाइब्रिड जूम क्या होता है। देखिए दोस्तों हाइब्रिड जूम में भी जो है आपको
एक टेलीफोटो लेंस होना जरूरी है, मतलब हाइब्रिड जूम में भी जो है आपको एक जूम लेंस होना जरूरी है। तो आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मान के चले कि आपका मोबाइल फोन का कैमरा 3x तक ऑप्टिकल जूम और 10x तक हाइब्रिड जूम सपोर्ट करता है। तो ऑप्टिकल जूम में हम लोग जानते हैं कि भाई ऑप्टिकल जूम में क्या होता है कि फोटो का डिटेल्स कम नहीं होता है। तो आपका मोबाइल फोन का कैमरा भाई 3x तक ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट कर रहा है, मतलब 3x तक जो है आपका मोबाइल फोन का कैमरा बिना डिटेल्स कम करे हुए फोटो खींच देगा। ओके, क्योंकि ऑप्टिकल जूम में भाई हम लोग जानते हैं कि डिटेल्स कम नहीं होता है, तो 3x तक आपका मोबाइल फोन का कैमरा जो है फोटो का डिटेल्स कम करे हुए जूम करके फोटो ले सकते हैं। लेकिन भाई जैसे ही 3x के बाद आप ऊपर जाएंगे, 4x, 5x, 6x तक जाएंगे जूम में, तो मतलब 3x के बाद जो है आपका मोबाइल फोन का कैमरा भाई डिजिटल जूम को अप्लाई कर देगा, मतलब वही क्रॉप करने लगेगा फोटो को और फोटो का डिटेल्स कम होते जाएगा दोस्तों 3x के बाद। मतलब क्योंकि यहाँ जो है 3x तक जो है आपका मोबाइल फोन सपोर्ट करता है ऑप्टिकल जूम, तो ऑप्टिकल जूम में क्या हो रहा है कि भाई डिटेल्स कम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही 3x के ऊपर जा रहे हैं तो फोटो वही भाई जो आपका डिजिटल जूम है उसको अप्लाई कर दे रहा है, मतलब भाई फोटो को क्रॉप कर दे रहा है और उस हिसाब से जो है जहाँ पे आप जूम कर रहे हैं उसी को बड़ा दिखाता जा रहा है। लेकिन भाई इसमें क्या हो रहा है, फोटो का जो आपका डिटेल्स है वो कम होते जा रहा है। तो ये होता है आपका हाइब्रिड जूम। मतलब दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल जूम के बाद जितना सारे एक्स्ट्रा जूम हम लोग को मिलता है कैमरा में, मोबाइल फोन का कैमरा में दोस्तों, वो जो है हाइब्रिड जूम है। लेकिन वही हाइब्रिड जूम में भी जो है क्वालिटी उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है जितना ऑप्टिकल जूम में मिलता है, उतना आपको हाइब्रिड जूम में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ दोस्तों क्वालिटी कम होता जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका हाइब्रिड जूम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको मैं समझा पाया हूँ, मतलब ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम और आपका जो डिजिटल जूम, ये सारे क्या होता है, ये सारी चीज़ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल है ये सारी चीज़ को लेकर के दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने को। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है ये आपको अच्छा लगा हो, ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त, अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना दोस्तों, फिर से हाजिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।